सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं अमित मेहता। जैसे कि हम आप बता रहे, रुड़की में एक युवक में कोरोना की पुष्टि हो गई है। यह युवक 25 वर्षीय बताया जा रहा है। ये 31 मार्च को राजस्थान के अलवर से लौटा था और इसके दो भाई अब तक किस किन के संपर्क में आ चुके हैं, पुलिस ये पुष्टि करने में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ पूरे गाँव को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जिला अधिकारी का यह कहना है कि अब तक यह 18 लोगों के संपर्क में आए और पुलिस प्रशासन भी उन 18 लोगों को क्वारंटाइन करने में जुटी हुई है। और यह सब सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप सा मच गया है। पनियाला में हूँ मैं, डॉक्टर गुंजन सैनी, RBS की हरिद्वार से हूँ। यहाँ पे जावेद की कोई क्वेरी थी, उसको हमने आइसोलेट कर दिया था 31 तारीख में। वो सिविल हॉस्पिटल में ही है अभी। उसके घर में जितने लोग हैं उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं आज की डेट में। राजस्थान अलवर से आया था और राजस्थान अलवर से ये एक मंगलोर का कोई आदमी है, उसके साथ आया था। इसकी बुआ जी का लड़का है वो, सुन इसको लेने के लिए गया था और एक ये खुद था। तो कम करने के लिए सभी पूरे परिवार को ही हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये बाहर घूमते हैं तो फिर? नहीं नहीं, बाहर नहीं, क्वारंटाइन कर देंगे, उनको यहीं से शिफ्ट कर लेंगे। कब? 31 तारीख को पनियाला गांव से एक व्यक्ति को जो है यहां पे आइसोलेशन फैसिलिटी रुड़की में रखा गया है। उनका सैंपल्स को टेस्ट करने पर आज उनका पॉजिटिव आया है। उनका ट्रैवल हिस्ट्री अलवर राजस्थान में जो है, जो जमात उसमें गए हुए थे, तो फिर उनका साथ में जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे उनका भाई हैं और उनका परिवार वाले हैं, तो उनको जो है हम अभी आइसोलेशन फैसिलिटी में ला रहे हैं। उनके अलावा जो है जितने भी कांटेक्ट उनके साथ, जो उनका भाई के साथ भी कांटेक्ट हुआ होगा, तो उस प्रकार के करीब 18 लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं, उनको भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एंटायर गांव को भी हम अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं और वहां होम क्वारंटाइन करने का प्रक्रिया चल रहा है। तो पूर्व में भी यहां गेंडिकाता करके एक गाँव है, उसको एंटायर विलेज को ही क्वारंटाइन कर दिया है ताकि कोई भी जो है अंदर कोई नहीं जा सकते हैं और बाहर कोई नहीं आ सकते हैं, कम्प्लीटली सील कर दिया है। सिमिलर प्रक्रिया में ये पर्टिकुलर गांव को भी करने का भी प्रक्रिया चल रहा है। तो वो पर्टिकुलर पेशेंट को अभी आगे जो है मेला हॉस्पिटल में ले आएंगे, ले आ करके अभी तो कोई उनका स्थिति तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जो है ट्रीटमेंट जारी रहेगा।